क्लास नाइन्थ की आईटी एंड आई का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन क्वेश्चन नंबर टेन हमारा कंप्लीट हो चुका था बिल्कुल आपको जैसा आपको देख रहे हैं लगातार वीडियोस आ रही हैं अब कुछ ही टाइम के बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा टोटल सेवनटीन क्वेश्चन है आई थिंक और हमारा आज है क्वेश्चन नंबर अलेवन आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन भी बेसिक सा ही क्वेश्चन है कोई मतलब एक समझो एक झटके में करने वाला क्वेश्चन है बस एक मुझे एक मिनट में मैं ख़त्म करा दूंगा बिना मतलब ऐसे क्या बताऊँ सिर्फ दो ही लाइन है इसकी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है एक झटके में समझ आ जा जाएगा बिल्कुल मतलब एक बच्चों वाला क्वेश्चन बता के चलूँ तो क्वेश्चन नंबर अलेवन क्या कहता है कि हाउ विल यू काउंट द टोटल वर्ड्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट बोल रहा है कि आप एक डॉक्यूमेंट के टोटल वर्ड्स कितने उसके अंदर वो कैसे काउंट करोगे एक मतलब जैसे ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है कोई तो इसमें कितने वर्ड्स है आप कितने लफज हैं वर्ड्स हैं आप कैसे काउंट करोगे ये बात कर रहा है एक डॉक्यूमेंट के अंदर तो मतलब मेरे को लगता है बहुत ही मतलब नॉर्मल नॉर्मल से भी नॉर्मल ही क्वेश्चन है आपने पता तो आपको हो गई चलो वर्ड के अंदर देख लेते हैं इधर से मैं आपको दिखा भी दूंगा देखो यहाँ पे कहता है कि आपको न, काउंट करने के लिए ये प्रोसेस या मेथड डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो मतलब अगर आप काउंट करना चाहते हो वर्ड तो डिपेंड करता है कि आप सॉफ़्टवेयर कौन सा यूज़ करते हो वर्ड करते हो नोट करते हो या कोई और गूगल डी ओ सी एस करते हो कोई भी करते हो अपनी उस पर डिपेंड करते देखो हम मेनली तो यहाँ पर वर्ड की बात की जाती है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर लेते हैं देखो इसमें दो तरीके होते हैं मैं ऐसे आपको बता दूँ एक तो आपको यहाँ पर अगर रिव्यू टाइम में जाओगे ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर आपको वर्ड काउंट का ऑप्शन मिल जाएगा या तो आपको दूसरा मिल जाता है यहां पे नीचे आपको यहां पे दिखा देता है वर्ड्स कितने है, ठीक है तो चलो मैं आपको दोनों को दिखा देता हूं जस्ट उसके बाद गूगल डीओ सी एस की बात कर ले तो यहां एक टूल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद वर्ड ग्राउंड पे सिलेक्ट करना है और वहां पे एक डायलॉग बॉक्स होगा जो आपको दिखाएगा कि इसमें कितने वर्ड्स हैं देखो अब मैं एम वर्ड की आप दिखाता हूँ दो दो प्रोसेस यहाँ पे आपको दो मेथड्स होते हैं देखो सबसे पहले रिव्यू टैब में जाए उसके बाद यहाँ पे वर्ड काउंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें यहाँ पे आपको पूरा दिखा देगा कितना क्या है ठीक है उसके बाद या तो यहाँ पे आपको जाने की जरूरत फिलहाल है नहीं यहाँ पे नीचे आपको अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे देखो ये इस एरो को फॉलो करो इस एरो को फॉलो करो यहाँ पे वर्ड्स यहाँ पे आपको दिखा देता है एक वर्ड यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर है ये हर मतलब वर्ड में मेनली यहाँ पे नीचे दिखा देता है बिना किसी टेंशन के देखो यहाँ पे दिखा रहा है नीचे तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था बहुत छोटा सा क्वेश्चन था मैंने कहा था कि एक झटके में खत्म करने वाला क्वेश्चन है तो होप आपको समझ में आ गया होगा कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें तो अभी अगले क्वेश्चन में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग भी अगले क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय